धर्मदाता। सेम जगह सेम मस्ती। तो ये जब तक मेरे बैंगन भून रहे थे, देखिए मैंने इसे मस्त शाम का वॉश दे के रेडी करके यहाँ पे लिटा दिया और ये मस्त खेलने में लगा और ये प्यारी सी स्माइल आप लोगों के लिए। हाँ जी, बैक टू द किचन। ये देखिए इस तरीके से एकदम अच्छे से हमारे बैंगन जो है भूनने चाहिए। शोएब आ गए हैं और उनसे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। चलो पूछते हैं। आ गए? जो है हमारे गलने लग गए हैं इस तरीके से, हम उन्हें मैश करते रहेंगे हल्के हल्के हाथ से। ध्यान रखिएगा कि मटर सारे के सारे मैश ना हो जाए, तो ये थोड़ा केयरफुली आपको करना पड़ेगा। और एक बार आपके सारे टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं, उसके बाद जो हमारा बैंगन का पल्प है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से अब आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ डोंट ऐड एनी वाटर। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि पूरा मसाला बैंगन अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। कितनी बार मिक्स 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 बोल दिया मैंने। चलिए डन। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। ये देखिए, वाह माशाल्लाह क्या खुशबू है इस वक्त। और अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश हरा धनिया काट के। आहा, हरा धनिया डालने से जो डिश की खूबसूरती, उसके कलर की वजह से खुशबू और स्वाद बढ़ता है ना, वाह मज़ा आ जाता है। इसे मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से और फिर हम अपना लास्ट मज़ेदार ट्विस्ट देंगे। सो यहाँ मैंने कोल अच्छी तरह से जला लिया है, ये मैं करती हूँ इसमें। और ये मैं ले लूँगी स्टील की कटोरी में, ये हम रख देंगे इसके बीच में। अभी फ़िलहाल मैंने भरते का गैस ऑफ कर दिया है और इस पर थोड़ा सा घी डाल के इसे तुरंत बंद कर देंगे और अब इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। So my this plate of desi healthy food is ready. यहाँ पे है हमारा smoked बैंगन का भरता, यहाँ पे है कचुम्बर सैलड, यहाँ पे है नाचनी की रोटी, थोड़ा सा गुड़ और एक ग्लास जीरा छाछ। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। पहले जब भरता बना रही थी ना, तो मैं ये लास्ट का कोयले का जो पूरा स्मोक है वो नहीं दिया करती थी, लेकिन उससे इतना अमेजिंग स्मोक फ्लेवर आता है ना। और मुझे भरता तभी अच्छा लगता है जब उसमें वो भुना हुआ जो फ्लेवर है वो बहुत खूबसूरती से मुंह में आ रहा हो। सो ये बिल्कुल वैसा ही बना है। भरता इज माई फेवरेट एंड काफी शोएब को भी पसंद है, सबा को भी बहुत पसंद है, मम्मी ऑल्सो लाइक्स इट। सबका आई थिंक फेवरेट होता ही है। सो मैं भी अपना डिनर एंजॉय करती हूँ, आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये भरता आपको कैसा लगा। तब तक के लिए लव यू गाइस।